कोटा जिले में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि 28 मार्च से गुरुवार से कोटा बूंदी लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम प्रशासन मुकेश चौधरी ने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के कमरा नंबर 18 में नामांकन 28 मार्च से 4 अप्रैल तक दाखिल किए जाएंगे, जिसमें उम्मीदवार के साथ 4 समर्थक कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल 30 मार्च को और भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला 3 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। कोटा में फेज सेकंड के अंतर्गत चुनाव है, जो नामांकन प्रक्रिया अपनी कल से 28 तारीख से चालू होगी। 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इनमें जो 31 का संडे है और जो 1 तारीख का है उसमें छुट्टी रहेगा, बाकी सभी दिन सैटरडे वगैरह को इनको नामांकन अपने चालू रहेंगे। नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं और प्रत्याशी जो भी नामांकन भरेंगे उनके साथ 4 दूसरे जो सदस्य हैं जिनको लेके आना चाहते हैं वो अलाउ हैं। नामांकन पत्र जांच करने के लिए अपन ने सारी टीमें गठित कर दी है, पूरी अपनी नामांकन सेल का गठन हो चुका है, साथ ही घड़ी वगैरह इनका अरेंजमेंट अपन ने कर लिया ताकि टाइम में किसी का नहीं रहे, क्योंकि 11 से 3 के बीच नामांकन होना है। सभी कैंडिडेट को इस बारे में अपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बारे में सूचित भी कर दिया है, कल से नामांकन स्टार्ट होंगे। कहाँ पर नामांकन? नामांकन श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के चैम्बर में जो कमरा नंबर 18 है उसमें होंगे। उसके लिए अपन प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और उसके लिए अपन पोस्टर बैनर भी लगाना स्टार्ट कर रहे हैं।